सोचो कि आप $1 per second कमाते हो तो $1 million कमाने में आपको लगभग 11.5 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको $1 billion कमाने हो तो आपको लगभग 31.5 years लग जाएंगे। वेल, बात यह है कि बड़ा आसान है लोगों को अमीर या फिर गरीब में बांटना, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अमीरी के भी 5 अलग अलग लेवल हैं और हर एक लेवल पर चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। जब आप इस चीज के बारे में जानोगे कि एक मिलियनर क्या कर सकता है उसके कंपैरिजन में एक बिलियनर क्या कर सकता है, तो आपका दिमाग फटने को तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी इतने अमीर हो जाते हो तो हर एक अमीरी के लेवल पे ऊपर जाते हुए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आएगा। और इसके अलावा ये जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, ये अपने पैसे किस तरीके से स्पेंड करते हैं, इंक्लूडिंग इनके कुछ अजीब और खतरनाक खर्चों के बारे में। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो को देखते हुए आप जानोगे कि जो सबसे बड़ा चेंज है आपके ईच लेवल ऑफ वेल्थ पे, वो है आपके सोचने के नजरिए का। क्योंकि हर चीज का प्राइस रिलेटिव होता है कि आप कितना कमाते हो। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान को कंपेयर करो जिसकी सालाना इनकम $40,000 है उस इंसान से जिसकी सालाना इनकम 400 मिलियन है, तो ये इंसान पिछले वाले इंसान से लगभग 10,000 गुना ज्यादा कमाता है। मतलब समझो, जो लैम्बोर्गिनी आपके लिए $300,000 की है, उसको खरीदते हुए अमीर आदमी को लगेगा कि वो सिर्फ $30 ही खर्च कर रहा है। एक अमीर आदमी अगर कोई $10 million का कोई आर्ट पीस खरीदता है तो उसे वो सिर्फ $1,000 का ही फील होगा। एक $50 million का विला, उसको सिर्फ $5,000 का फील होगा। तो मतलब हमारी विश लिस्ट, जो जो हमें खरीदना है, अगर हम बिलियनर बन जाते हैं तो हम तो उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इतने ज्यादा वेल्दी हो तो सिर्फ आइटम्स और एक्सपीरियंसेस की बात नहीं है, और भी बहुत कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में आने वाला है। मगर उस चीज की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं अमीरी के पहले लेवल। तो अगर आपको इस लेवल में आना है तो आपको दुनिया के टॉप 1% में आना होगा, यानी कि आपकी इनकम लगभग $200,000 होनी चाहिए पर ईयर, तब आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में आओगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अगर आप टॉप 1% में भी आ गए तो आपको अपनी अमीरी का एहसास नहीं होगा। शॉर्टली आपके पास बड़ा घर होगा, एक अच्छी कार होगी, लेकिन फिर भी आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी आपको पूरे टाइम काम करना पड़ेगा, आपको फुल टाइम जॉब की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसी वजह से अगले लेवल में जाते हुए आपकी वेल्थ नेटवर्थ में मेजर होगी, ना कि इनकम में। क्योंकि आपकी वेल्थ उतनी ज्यादा मानी जाएगी जितने ज्यादा एसेट्स आपके पास हैं, क्योंकि अब आप अपना पैसा सैलरी में नहीं ले रहे हो। तो जब आप अमीरी के नेक्स्ट लेवल में पहुंचोगे तो आपका नेटवर्थ होना चाहिए $10 million से लेके $30 million तक। हाँ, इस लेवल पे आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, आप अपनी जिंदगी सुकून से जी सकते हो, आपके पास सही में बहुत बढ़िया घर होगा और आप हमेशा फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर ही एरोप्लेन में जाएंगे। यहाँ तक के कोई स्पेशल ओकेशंस में तो आप प्राइवेट प्लेन भी बुक कर सकते हो। आपके पास इतना पैसा है कि कोई भी हेल्थ केयर जो आपको चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएगी, और यहाँ तक कि कोई इमरजेंसी फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। मगर आप अभी भी इतने अमीर नहीं हुए हो कि आपके लिए पैसों की टेंशन ही खत्म हो जाए। आपको अभी भी ध्यान से पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान से बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे, और अगर वर्ल्ड बैंकिंग के हिसाब से देखें तो आप अभी भी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में नहीं आते। अब मानो कि आप और अमीर हो गए, अब आपकी नेटवर्थ है $30 million से $100 million तक। अब आप उस लेवल पे पहुंचे हो जहां आप बहुत बड़ा खेलने वाले हो। हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी कंपनी हो जिसे आप रन कर रहे हो, आप जहां भी जाओगे वहां 5-star होटल में रहोगे और रहने के लिए पूरी दुनिया में आपके बहुत सारे घर होंगे। आप अपने हॉलीडेज को एंजॉय बहुत प्राइम टाइम में कर रहे होंगे, जैसे मोनाको के अंदर ग्रैंड प्रिक्स में या फिर किसी फिल्म फेस्टिवल में, और आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके होटल का खर्चा एक रात का $20,000 तक है। आपके पास पर्सनल असिस्टेंट्स होंगे, आपके पास इतना पैसा है कि अब आपसे बात करने के लिए पहले लोगों को उनसे बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे कोई भी चीज खरीद सकते हो जो आम लोग तो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, जैसे दुनिया की कोई भी गाड़ी आप खरीद सकते हो, कोई भी फैंसी ज्वेलरी आप खरीद सकते हो, और फर्स्ट क्लास में उड़ने के बजाय अब आपके पास प्राइवेट प्लेन होगा। लेकिन उससे बड़ा चेंज जो इस लेवल में आएगा वो आएगा आपके सोशल सर्कल में। आपका सोशल सर्कल अचानक से बहुत बदल जाएगा। अब आपके सोशल सर्कल के अंदर MLAs, MPs और मिनिस्टर्स आने लगेंगी, और हाई क्लास सर्कल्स में आपको बहुत इज्जत से देखा जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो सकता है आपको अभी भी गरीबी का एहसास। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आपके चारों तरफ अल्ट्रा वेल्दी लोग होंगे और उन्हें देखकर आपको लगेगा कि यार अभी भी कुछ कमी है। मतलब हो सकता है कि आपने अभी अभी एक नई फरारी खरीदी हो, लेकिन आपके दोस्तों के पास फरारी का लिमिटेड एडिशन होगा। हो सकता है उस एडिशन की सिर्फ 5 ही गाड़ियां बनी हो। अब हो सकता है कि आपने अपना डिनर गवर्नर के साथ किया हो, लेकिन आपका बिलियनर दोस्त प्रेसिडेंट के साथ डिनर कर रहा होगा। तो अब समय आ चुका है अमीरी के अगले लेवल में जाने का, और अब इस लेवल में आपकी नेटवर्थ $100 million से लेके $1 billion तक जाएगी।
अब इस लेवल पे आने के बाद आप डेफिनेटली एक ऐसा बिजनेस ओन कर रहे हो जिसके बारे में सब जानते हैं और वो सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बिजनेस से जुड़े हुए। अब इस लेवल पे आके बड़े बड़े मूवी स्टार्स, रॉक स्टार्स या फिर कॉर्पोरेट्स के मालिक आपके दोस्त होंगे। आप इस दुनिया के जिस कोने में जाना चाहते हो, जिस जगह जाना चाहते हो, वहां जा पाओगे, वो भी हमेशा स्टाइल से। आपके पास दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे घर होंगे और हर घर के अंदर अलग अलग नौकर होंगे और उस हर घर के अंदर लग्जूरियस कार्स होंगी और अगर आप चाहो तो एक प्राइवेट आइलैंड भी ओन कर सकते हो और ऑफ कोर्स उस तक जाने के लिए एक प्राइवेट याच होगी। मतलब दुनिया का हर एक एक्सपीरियंस जो आप सपने में भी सोच सकते हो आप वो कर सकते हो। टेनिस खेलना है अपने फेवरेट टेनिस स्टार के साथ, उसके लोगों को कॉल करो, बोलो कि मैं हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स की चैरिटी देना चाहता हूँ, तो हो सकता है आप उसके साथ मैच भी खेल पाओ। आप चाहते हो कि दुनिया का टॉप सिंगर्स आपके पार्टी में आकर गाना गाएं, वेल एक अच्छा प्राइस देके सब कुछ होगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी और ज्यादा इज्जत करें तो बड़ी बड़ी एनजीओ को बुलाकर बहुत बड़े डोनेशंस दे सकते हो जिससे लोगों की नजर में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। एक बार अगर आपके पास हजारों करोड़ों डॉलर्स आ गए तो आप महंगी से महंगी यूनिक चीजें खरीदने के लिए भी लोगों को हायर कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने टॉयलेट पेपर बनाया था जो कि पूरे 22 कैरेट गोल्ड से बना था जिसकी कॉस्ट लगभग 1.3 मिलियन डॉलर्स थी। अब जब आपके पास इतना पैसा है कि आप उसे टॉयलेट में बहा सकते हो तो क्यों ना एक सोने का टॉयलेट ही ले लिया जाए। सिर्फ टॉयलेट ही क्यों, गोल्ड बाथरूम, गोल्ड टॉयलेट, गोल्ड टूटी, गोल्ड वॉल, लिटरली अगर आप अल्ट्रा वेल्दी हो तो आपको हर चीज सोने की मिल सकती है। एक 24 कैरेट गोल्ड वाटर बॉटल के बारे में क्या ख्याल है जो अपने आप में एक डिजाइनर पीस होगा। या फिर दुनिया के सबसे महंगे आईफोन के बारे में क्या सोचते हो, 24 कैरेट गोल्ड की केसिंग होगी जिसके ऊपर लगभग 600 से भी ज्यादा व्हाइट एंड ब्लैक डायमंड्स लगे होंगे, जिसकी स्क्रीन सैफायर ग्लास से बनाई गई होगी। ऑफ कोर्स ये इतना महंगा फोन आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, इसे खरीदने के लिए आपके पास लगभग 15 मिलियन डॉलर्स होने चाहिए। लेकिन इस लेवल पर अगर सिर्फ महंगी चीजें खरीदी तो क्या मजा। अब तो आपके पास इतना पैसा है कि आप दुनिया की रेयरेस्ट और एक्सक्लूसिव थिंग्स खरीद सकते हो। चलो एक लिमिटेड एडिशन पेन खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट होगी 160,000 डॉलर्स, जिसके अंदर लगभग 4,810 छोटे छोटे डायमंड्स लगे होंगे और जानते हो हर साल सिर्फ ऐसे 8 पेन ही बनते हैं। अब आपके पास इतना पैसा है तो रुके क्यों, चलो और खरीदते हैं। रेयर पेंटिंग्स को खरीदना तो गरीबों की बात हो गई, अब तो हम रेयर से रेयर अजीब से अजीब चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि ये डेड शार्क का 8 पीस जो कि बेचा गया था लगभग 12 मिलियन डॉलर्स में। क्या कहा, पियानो पसंद है क्या आपको, चलो एक क्रिस्टल पियानो खरीदते हैं जो कि यूज हुआ था बीजिंग ओलंपिक गेम्स में, जिसके ऑक्शन में एक प्राइवेट बिडर ने उसका रेट लगाया था 3.22 मिलियन US डॉलर्स। ये इतना पैसा है कि आपका दिमाग सोचते सोचते थक जाएगा लेकिन आप खरीदते खरीदते नहीं थकोगे। लेकिन रुको, अभी तो फाइनल लेवल आया भी नहीं, अब बारी है जरा और अमीर होने की। आपकी नेटवर्थ है 1 बिलियन US डॉलर्स या फिर उससे भी ज्यादा। अब इससे पहले हम अगले लेवल में जाएं, क्या आपको पता है कि दुनिया के 26 सबसे अमीर बिलियनर्स के पास इतना पैसा है जो बाकी बचे हुई 50% दुनिया के पास है। मतलब रिसर्च करते समय ये स्टैटिक्स देखकर तो मेरा दिमाग हिल गया था, पर चलो फिर भी विजुलाइज करके देखते हैं ताकि बढ़िया से समझ सके। जरा इस चावल के दानों के एग्जाम्पल को देखो, अगर इतना पैसा बिलियनर्स के पास है तो ये चावल के दानों का ढेर एलोन मस्क या फिर जेफ बेजोस के पैसों को बताता है। तो अब जब हमें यह एहसास हो चुका है कि 1 बिलियन डॉलर्स कैसे दिखेंगे तो जरा देखते हैं कि आप इन पैसों से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इतने पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, और अब के बार मैं लग्जूरियस आइटम्स या फिर एक्सपीरियंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कहीं भी जाने का एक्सेस खरीद सकते हो, आप अपने स्टाफ को कह सकते हो कि वो इस दुनिया में किसी भी इंसान को कॉल करें और आपसे बात करवाएं। आपको इस लेवल पे पहुंच के एक अमेजिंग लेवल का एक्सेस मिलने वाला है, एक अलग ही इज्जत और अलग ही रुतबा होगा आपका, जिसमें एक घंटे के अंदर इस दुनिया में आप जिस मर्जी चाहे उस इंसान से बात कर सकते हो। और अब के बार मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन पावरफुल पॉलिटिशियंस की जो आपकी तरह पावरफुल है, क्योंकि एक बिलियनियर बहुत बड़ा डोनर होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और अगर आप बिलियनियर हो तो आप अलग अलग पार्टी के हेड से भी मिल सकते हो, इवन उनके साथ बात करके, जो हमें लेकर आता है उस दूसरी चीज की तरफ जो हम बिलियनर्स होने की वजह से खरीद सकते हैं, इन्फ्लुएंस। अब क्योंकि आप एक बिलियनर हो इसका मतलब आप पब्लिक पॉलिसीज को बदल सकते हो, आप उनको अपनी तरह मॉडिफाई करवा सकते हो। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप अमीरों के लिए कम टैक्स स्लैब करवा सकते हो, मगर इसके अलावा इस चीज को अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप अपने पैसे और कनेक्शंस का यूज कर अब पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हो, जो हमें लेकर आता है एक तीसरी चीज के ऊपर जो आप बिलियनर
होने पे कर सकते हो इम्पैक्ट। आपकी दरिया दिली और चैरिटी की वजह से सच में बहुत सारी जिंदगियां बदल सकती हैं। लेकिन सवाल है कि आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। हो सकता है आप अपने पैसों का इस्तेमाल कर गाँव में साफ पानी पहुँचा दो, या फिर नए नए हॉस्पिटल खोल कर भी लोगों की हेल्प हो सकती है। अगर आपको एनिमल से प्यार है तो आप किसी भी डाइंग स्पीशीज को बचा सकते हो। आपके पास इतना पैसा है कि आप ऑलमोस्ट हर चीज में अपना इम्पैक्ट डाल सकते। अब हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन इतना पैसा होने के बाद आप लिटरली समय को भी खरीद सकते। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अब दुनिया में किसी भी चीज के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कहीं भी बैठकर किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी चाहिए बस आप बोलो और आपके सामने पेश कर दी जाएगी। अब क्योंकि आपके पास एक प्राइवेट जेट है, आप बस एयरपोर्ट पहुंचो और 2 मिनट्स के अंदर आप हवा में। अब जाओ दुनिया के जिस कोने में जाना चाहते हो कहीं भी जा सकते, और जहां पर भी आप पहुंचोगे वहां पर कार के साथ ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा जो आपको उस जगह ले जाएगा जहां भी आप जाना चाहो। आपकी असिस्टेंट ने पहले ही बेस्ट रेस्टोरेंट के अंदर बेस्ट टेबल बुक कर दी होगी और वहां जो मर्जी वो खा सकते हो। लेकिन आप मानो या ना मानो, अल्ट्रा रिच होने के बाद भी आपको कुछ चीजों की कमी खलेगी। सबसे पहले इस लेवल पर जाकर नॉर्मल इमोशनल रिलेशनशिप्स तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इस लेवल पर जाकर बहुत मुश्किल होगा कि आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली आपको प्यार करे बजाय आपके पैसों। वो होंगे जरूर, लेकिन ये पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि वो किस वजह से आपके साथ, क्योंकि आपकी दुनिया आपकी जी हजूरी वाले लोगों से भरी पड़ी होगी और आपके करीबी लोग हर एक अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। लोगों पे आपका ट्रस्ट और उनके साथ कनेक्शंस ऑफ कोर्स वीक हो जाएंगे, और इसके अलावा अपना सच्चा प्यार ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो एक तरफ आपकी जिंदगी के अंदर ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़कियां भरी पड़ी होंगी, मगर फिर भी आपको मुश्किल होगी एक ऐसे इमोशनल कनेक्शन वाले इंसान को ढूंढना जिसका आप हमेशा से साथ चाहते हो। अब ये नेचुरली है क्योंकि इस लेवल पर आकर आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, जिसकी वजह से आप अपना टाइम अपने कनेक्शंस को बनाने में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओ। और अगर कोई मिल भी जाए तो रिलेशनशिप बैलेंस बनाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास अताहत पैसा है। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये दुनिया की सच्चाई है कि आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन मौत एक सच है, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके सारे प्यारे दोस्त छूट जाएंगे। ये सारा पैसा जो आपने कमाया है सब यही रह जाए। इसके अलावा भी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास कितना भी पैसा हो आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप सिल्वेस्टर स्टेलोन को ही ले लो। वो हद से ज्यादा अमीर हैं, उनके पास उनसे प्यार करने वाली एक खूबसूरत वाइफ है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपना बेटा यंग एज में खो दिया। अगर उनके वर्ड्स को रिपीट करूं तो नोबडी हैज इट ऑल। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, किसी को भी पूरा जहान नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप अपने आप को गरीब समझो, लेकिन जरा एक मिनट दोबारा, क्योंकि इस वीडियो में आपने अलग अलग लेवल ऑफ वेल्थ को देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे ज्यादा गरीब हो। भगवान का शुक्र करना चाहिए कि आप कम से कम इस वेल्थ पिरामिड के बॉटम में तो नहीं आते। अपने से ऊपर वालों को देखकर फ्रस्ट्रेट होना बहुत आसान है, लेकिन सोचो आपसे नीचे भी कितने सारे लोग हैं। अगर आपके फोन में इंटरनेट है इस वीडियो को देखने के लिए, आपके फ्रिज में खाना है खाने के लिए, और आपके शरीर पे कपड़े हैं पहनने के लिए, रहने के लिए सर पे छत है और सोने के लिए अच्छा बिस्तर, तो मुबारक हो, आप दुनिया के 75% लोगों से ज्यादा अमीर। यहाँ तक कि अगर आपके बैंक अकाउंट में $1 यानी कि 100 रुपए भी है ना, तो आप अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इस दुनिया में है उनसे ज्यादा अमीर हो, उन लोगों से जिनके पास रियली में कुछ नहीं है। रियलिटी में आपको इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि अमीरी और गरीबी एक कंपैरेटिव चीज है। आप अभी भी इस हालत में भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे ज्यादा अमीर। मतलब अब अगर आपको कभी लगे कि आप अमीर नहीं हो तो अपने से नीचे वालों को देख लेना, आपको बहुत अमीर है। अब ये सारी बातें इस दुनिया की सच्चाई थी, और इस सच्चाई को जानना आपके लिए जरूरी है। जाने से पहले अगर आपको एक पावरफुल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।